जय जय श्री राम। यो वेल हाय, जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी, हाउ आर डूइंग? वेल, दिस इज बॉय एंड सेम सो मूविंग स्टार्ट नाउ बेबी विद नेम इज जफर एंड आई वेलकम इन YouTube चैनल एंड प्लीज इफ यू आर न्यू हियर सो डू सब्सक्राइब द चैनल। सो नाउडेज लाइक एवरीबॉडी नोस लाइक वेयर द हेल आई एम लिविंग इन मॉर्निंग नाउडेज, यू हियर मी? सो आज का जो व्लॉग है मैं रैंडमली घर से शुरू कर रहा हूं जहां मैं रहता हूं। दिस इज द प्लेस आई लिव हियर, यू कुड सी दिस वीडियो। ये मैं एडिटिंग करता रहता हूँ। ये मेरा बैग है, एक बैग है, ये रजाई गद्दे पड़े, ये हमारे कान्हा जी हमने लगाए हुए हैं, है ना। सो ये जो ब्लॉग है ऐसी रैंडमली शूट कर रहा हूँ, देखते हैं क्या प्लान बनता है, कहाँ जाते हैं। मैं दिल्ली की सड़कों पे घूम घूम के मेट्रो पे थक चुका हूँ, तो हम यहीं से ब्लॉग शुरू करना है आज। सो मैं बिना नहाए धोए तैयार हो चुका हूँ, अब नीचे चलते हैं, नीचे गर्लफ्रेंड फिर उसको निकालते हैं, फिर बिल्कुल देखते हैं। रैंडमली ऐसी ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, दिखाता हूँ गर्लफ्रेंड कहाँ है। ये गाड़ी थोड़ी सी से काले देख देख के चले हैं साले, और ही गर्लफ्रेंड वहाँ ने निकाल ली। सो हियर वी गो द गर्लफ्रेंड, दिस इज फ्रीकिंग सेक्सी बेबी, दिस इज द होम वेयर आई लीव मैन। सो नाउ चलते हैं इस पर, एक छोटी सी राइड लेते हैं, देखते हैं कहाँ चल रहे हैं। और देखो एक बात और बताता हूँ, मैंने ना इस पर पहले वे रेड गैलरी कवर चढ़वाए थे, मुझे बहुत बुरे लगते थे उससे, इसकी मतलब जो शो है वो ख़त्म हो रखी थी बिल्कुल, वे मैंने उतार दी, खुद से उतारे। दोस्तों, तो मैं आया था मावी, सादिकपुर एक गांव है, और इस गांव में ये एक भव्य विशाल मूर्ति है किनकी, भगवान भोलेनाथ की, और इसकी जो हाइट है वो 108 फुट की है। आई वॉज रियली शॉक्ड, इसकी जो हाइट है, हाइट देखो आप कितनी बड़ी हाइट है, 108 फीट। ये बनाया कैसा होगा, आई एम जस्ट वंडरिंग इट, मैं तो यही सोच के परेशान हो रहा हूँ। और इतनी बिंदास है, इतनी मैं देख के इसे जस्ट आई गॉट मेंशन आउटस्टैंडिंग मैन। दोस्तों ये मूर्ति जितनी बड़ी है उतनी ही खूबसूरत भी है, इसमें भगवान भोलेनाथ के कान में कुंडल हैं बड़े बड़े, और गले पे नागराज विराजमान है, साक्षात गले में रुद्राक्षी माला है। सो दोस्तों अगर आप भी यहाँ पर विजिट करना चाहते हैं तो मैं आपको इसका एड्रेस बताता हूँ। मैं रहता हूँ लोनी गाज़ियाबाद में, लोनी गाज़ियाबाद से जब आप बागपत की साइड में चलोगे तो वहाँ से लोनी गाज़ियाबाद से 4 या 5 किलोमीटर दूरी पर एक गाँव पड़ता है जिसका नाम है पावी सादिकपुर, वहाँ पर ये सीधे हाथ पर पड़ता है। भगवान भोलेनाथ की दूर से आपको बड़ी बड़ी मूर्ति दिखाई दे जाएंगी, और इसी के बराबर में यहाँ पर एक मूर्ति है बजरंगबली की, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी जो हाइट है वो 108 फुट है, और ये जो हमारे बजरंगबली हैं ये 81 फुट के बने हुए हैं। देखो ये है बजरंगबली की मूर्ति, इसकी हाइट जो है वो है 81 फुट, और इसी के बराबर में ये हमारे भोलेनाथ हैं, इसकी हाइट है 108 फुट, जो आपको मैंने दिखा दी कई बार। और यहाँ पर देखो बच्चे खेल रहे हैं, ये देखो कितनी भव्य है, ये भी बहुत बड़ी है, कैमरे में आपको पता नहीं कैसी लग रही होगी पर बहुत ही बड़ी है। जय जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, पीट टाउन बेबी, डू यू हियर मी? तो ये व्लॉग मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना, और आप कमेंट करके जरूर बताना आपको भगवान श्री राम के जो सेवक हैं श्री हनुमान जी कैसे लगे, और भगवान भोलेनाथ की जो मूर्ति है वो कैसी लगी। तो मैं मिलता हूँ फिर किसी दिन नए व्लॉग में, बाय नाइस टू सी यू, चाओ बेबी, एंड हाँ आई विश यू वेरी हैप्पी शिवरात्रि, डू हियर मी? कल शिवरात्रि है, ये व्लॉग आज ही आएगा, सो आई विश यू वेरी हैप्पी शिवरात्रि बेबी, डू हियर मी?
हर हर महादेव, जय जय श्री राम।